हेलो फ्रेंड्स एंड आ वेरी वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो 2-3 मिनट की होने वाली है, तो मैं जल्दी से सीधा टॉपिक पे आता हूँ। आप देख सकते हैं बास्किंग एरिया की सारी डंडी भी हटी हुई है और सक्शन कैप भी हटी है, और बास्किंग एरिया एक तरीके की प्लेस पर नहीं है, जिस वजह से कछुए को भी डर लग रहा है बैठने में और कछुआ चढ़ भी नहीं पा रहा ठीक से। तो ऐसा क्यों हुआ है आखिर? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने जानबूझ के जो है हटाई है सक्शन कैप और डंडिया भी इसके नीचे सपोर्ट करने के लिए। वो क्यों हटाई है मैं बताता हूँ। पहले तो मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला अगर आप ऐसा सेम बास्किंग एरिया लेते तो जो इसके सक्शन कैप होते हैं ना, 1-2 साल के बाद जो है ना अपनी पकड़ जो है मजबूत की जगह खोने लग जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में दिक्कत, सक्शन कैप प्लास्टिक के होते हैं इसके और प्लास्टिक के आते हैं तो दिक्कत आ जाती है। तो आज उसी दिक्कत के ऊपर मेरा टॉपिक है कि अगर सक्शन कैप की पकड़ मजबूत ना हो, ठीक है, वो पकड़ नहीं आ रही हो सक्शन कैप में, जैसे आप लगा रहे हैं बास्किंग एरिया जो है सक्शन कैप लगा रहे हैं कांच पे और वो बास्किंग एरिया को सपोर्ट नहीं दे पा रहा, बार बार नीचे जा रही है, इस आपके कछुए को दिक्कत आ रही चढ़ने में, तो आप कैसे सही करें वो? तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये है वो सक्शन कैप्स। अगर आपको सही करना है ना, तो पहले तो मैं दिखाता हूँ ये सपोर्ट करने वाली डंडिया है जो एक्वेरियम में लगती है, ठीक है, ये रही फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूँ सक्शन कैप में क्या करना है। देखो, ये गर्म पानी है, ठीक है, बॉइल्ड पानी उबलता, अब तो कम से कम 8 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इतना गर्म पानी नहीं है, पर तब भी इसके अंदर धुआं आ रहा है, स्मोक आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो अभी भी गर्म है, ठीक है, और उंगली इसमें जल रही है, अभी भी तो गर्म है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब सक्शन कैप अपनी पकड़ खोने बैठती है ना, तो हार्ड हो जाता है। देखो, अभी सॉफ्ट आराम से मुड़ पा रही है, हार्ड हो जाता है, और तो चिपकने की जो ताकत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप बॉईल करके पानी, गैस से बॉईल करके पानी को फिर इसके अंदर ये सक्शन कैप डालेंगे, ज़्यादा भी बहुत ही जलता हुए में भी मत डाल देना, क्या पता प्लास्टिक जलने लग जाए, ऐसे जलती नहीं है। गरम करके, बॉईल करके पानी, अच्छा खासा गरम करके पानी इनको डाल दो, और 8-9-10 मिनट तक इसके अंदर ऐसे सेट करके रखो, ऐसे बैठा के रखो ऐसे, ठीक है। फिर आप देखोगे थोड़ी देर बाद अपने आप जो है सक्शन कैप आपकी सारी सॉफ्ट हो जाएगी और सफ़ेद, वैसे जैसे नई लाए थे वैसे हो जाएगी, पीली नहीं रहेगी, और उसमें पकड़ आ जाएगी वापस और सॉफ्ट ही हो जाएगी। अब देखो, अब मैं इसे लगा रहा हूँ तो चिपक गई अच्छे से, ये देखो, अब मेरे को इससे ऐसे करके हटाना पड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ का, यहाँ पर एक नोब है, उसे पकड़ते तो हटती है। पहले क्या होता था, पहले मैं ग्लास पे लगा रहा हूँ एक्वेरियम के, वैसे ही पकड़ ही नहीं पा रही है, चिपक ही नहीं पा रही ठीक से, तो दिक्कत आती। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, बॉईल कीजिए पानी, उसके अंदर सक्शन कैप डाल दीजिए, फिर नॉर्मली सक्शन कैप के अंदर डंडिया लगाइए और बास्किंग एरिया को फिट कर दीजिए अच्छे से, फिर फिट हो जाएगा बास्किंग एरिया, ये गारंटी है। मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाई है सारी अपने एक्सपीरियंस से बनाई है, सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती है और उनका कोई तरीके का निकलता है, अगर समाधान कोई चीज़ निकलती है तभी मैं आपको बताता, तो ये भी तरीके की चीज़ है, ये तो आपको दिख भी रही है, अभी मैंने आपको दिखाया इसकी पकड़ भी ऐसे करके मजबूत हो गई है, ऐसे निकल नहीं पा रहा है, देखो नहीं निकल पा रहा, जब तक आप इसको ऐसे नीचे से ये हुक सा है इसका, इसे पकड़ के नहीं हटाओगे नहीं निकलेगा। ये देखो आपके सामने नतीजा भी इसका कि सही हो चुका है। अब 10-11 मिनट तक ऐसे ही रखना, फिर इसे बॉईल पानी से फिर हटा देना। और ये डंडिया होती है इनकी, काफ़ी फ्लेक्सिबल डंडी है, पर ज़्यादा मोड़ के मत देखना, क्योंकि टूट गई तो फिर जुगाड़ तो काफ़ी कम ही हो पाते हैं एक्वेरियम के मामले में, कि वैसे ही पानी की चीज़ होती है, तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक फ्लेक्सिबल है डंडिया। और ये डंडिया काली हो जाती है वो बास्किंग एरिया पे टाइम, बहुत टाइम तक रखे काली हो जाती है, इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं डंडियों को, नॉर्मल इन पे से कपड़ा फेर दो तो अपने आप साफ़ हो जाएगी डंडिया। और कैमरे पे फॉग जम चुकी है तो क्वालिटी नहीं दे पा रहा कैमरा, अब ठीक हुआ है थोड़ा, तो इन्हें तो नॉर्मल कपड़ा मार दो, एक काला काला आपकी मर्ज़ी है, वैसे तो मैं साफ़ करता नहीं, इतना भी ज़्यादा नाजुक नहीं रखना। और बाकी हाँ, ये चीज़ मेन थी तो इसको कर दिया, अब पकड़ मजबूत अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से, इन द सेंस कि हाँ भाई अब बास्किंग एरिया इधर से उधर, ऐसा नया नया बास्किंग एरिया लाते हैं ना, वैसे कहीं से इधर से उधर नहीं होगा, बिल्कुल वही चिपका रहेगा जहाँ पे है, क्योंकि जो थोड़े बड़े बड़े कछुए होते हैं ना, उनको आप बिल्कुल सीधा फ्लैट दे दोगे ना तो ठीक से चढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा टेढ़ा देना पड़ता है। जो छोटे कछुए होते हैं उनका जो शैल होता है वो भी छोटा होता है, तो आराम से चढ़ जाते हैं। बड़े कछुओं के लिए अब आप इतनी सी थोड़ी सी जगह दोगे चढ़ने के लिए तो कहाँ से चढ़ेगी, तो थोड़ा टेढ़ा करके लगाना पड़ता है बास्किंग एरिया, तो उसमें सक्शन कैप का बहुत, पकड़ की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अभी इन्हें मैं ऐसे थोड़ी देर पानी के अंदर रखूँगा, वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर, और फिर लगा दूंगा बास्किंग एरिया पर, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब वीडियो तो आ रही है, हफ्ते हफ्ते में आ रही है, पिछले हफ्ते मैंने 3-4 वीडियो एक साथ अपलोड करी थी, पिछले हफ्ते नहीं, हो गया कुछ महीना सा, पर मैंने उस एक हफ्ते में, मुझे याद है 3-4 वीडियो मैंने अपलोड करी थी एक साथ, तो अब तो जल्दी जल्दी वीडियो आ रही है, तो लाइक शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो जल्दी जल्दी। और बाकी तो ठीक हो ही गया सब, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सही करते हैं इसको।
मेरे बहुत एक हफ्ता सा कुछ हो गया था और दिक्कत आए जा रही थी बास्किंग एरिया में। मैंने कहा मैं एक साथ ही वीडियो बनाने के साथ ही आप लोगों को दिखाऊंगा, तो 5 मिनट 6 सेकंड से ऊपर की वीडियो हो गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं, यही था। बाय फ्रेंड्स।